पी एजुकेशन एकेडमी के नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के पद पर जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो हम इस भर्ती के संदर्भ में जो भी कुछ मूलभूत जो है क्राइटेरिया जानकारी, उसके योग्यता, वेतन इत्यादि के संदर्भ में जो है क्रम से जो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ताकि इसमें आवेदन करने वाले लोगों को आसानी हो सके। और ऐसे लोग जिन लोगों ने एएनएम का कोर्स कर लिया है और भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए जो है एक स्वर्णिम अवसर है जिसके माध्यम से वह भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के जो है चयन के माध्यम से जो है उस पद पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ बेसिक जो है जानकारी है जिसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये नोटिफिकेशन एएनएम जो है भर्ती के लिए हुआ है और ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है मिशन के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है और ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। और इसमें भर्ती के लिए जो आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है, आवेदन की जो तिथि निर्धारित की गई है यह 15 सितंबर 2021 से लेकर के जो है वह 30 सितंबर 2021 के बीच। तो इसमें आप जो है आवेदन 15 तारीख यानी कि आज की तिथि से ही जो है प्रारंभ कर सकते हैं। अभी ये प्रारंभ हो रही है ये जो आवेदन की प्रक्रिया, और 30/9/2021 तक जो है इसमें आवेदन आपके द्वारा जो है किए जा सकते हैं। इसके लिए जो एक शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है, वो शैक्षिक योग्यता है कि आपको जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड जो है इंस्टीट्यूट से एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ का जो है कोर्स आपने जो है कर रखा हो, और योग्यता के रूप में जो है जो एक उम्र की योग्यता है वो इसमें न्यूनतम तो नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन अधिकतम इसमें 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को इसमें मौका दिया जा रहा है। अब रही बात इसमें जो है फीस की, तो इस पद पर जो है आवेदन के लिए आपको जो है सभी वर्गों के लिए, चाहे वो अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या महिला हो, सभी के लिए जो है जीरो जो है फीस लिया जाएगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के जो फीस की कोई बात नहीं कही गई है। अब इसमें ये देखना होगा कि ये पद का जो है स्वरूप क्या है, यानी कि इस पद का जो है नेचर क्या है। नेचर ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, यानी कि जो है संविदा आधारित आपका जो है पोस्ट है, संविदा के आधार पर आपकी जो है भर्ती की जा रही है, संविदा के आधार पर आपको जो भर्ती किया जाएगा, और सामान्यतः ये एक वर्ष के लिए जो है आपकी भर्ती की जा रही है। इसमें जो है आपको जो मानदेय दिया जाएगा, मानदेय जो दिया जाएगा वो 12,128 रुपये निर्धारित किया गया है। 12,128 रुपये का मानदेय आपको जो है प्रति माह के आधार पर जो है दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि संविदा पे आधारित जो भर्ती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अभी हाल में ही जो है देश प्रदेश के जो है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी संविदा के आधार पर भर्ती निकाला था, और यहाँ पर एएनएम के जो कोर्स कर चुके लोगों के लिए 12,128 जो है रुपये के प्रतिमाह के स्टाइपेंड यानी कि जो मानदेय के आधार पर ये भर्ती की जा रही है, जो कि नेचर में जो है संविदा के जो है आधार पर है। इसके दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो एग्जाम पर आधारित होगी, यानी कि इसके लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इसके लिए जो जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि इसके लिए एग्जाम का आयोजन जो है कब किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए ये चीज़ें जानकारी होना आवश्यक है एएनएम पद के लिए जो है एनएचएम मिशन के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य विभाग में 5,000 पदों पर जो भर्ती के लिए जो आवेदन जो है प्रारंभ किए गए हैं। 5,000 पदों पर जो भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रारंभ किए गए, आवेदन की तिथि जो है 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के है। शुल्क इसमें जो जीरो रखा गया है। योग्यता के रूप में शैक्षिक और उम्र की जहां तक बात है तो वह केवल एएनएम का कोर्स किसी जो है रिकॉग्नाइज्ड और मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अधिकतम उम्र इसमें जो 40 वर्ष निर्धारित किया गया। फीस इसमें कुछ नहीं है। इसका नेचर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि संविदा आधारित है। एक वर्ष के संविदा पर नियुक्ति की जाएगी और मानदेय के रूप में आपको 12,128 रुपये जो है दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है आप इसके लिए जो है जो भी
निश्चित जो है सिलेबस है, जो भी अभी तक पिछला एग्जाम हुआ उसके आधार पर आप सिलेबस को देख ले और सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करना जो प्रारंभ कर दे, क्योंकि एग्जाम जल्द ही जल्द जो है करवाना सरकार के लिए, जो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस पे जो है एग्जाम करवा करके भर्ती किया जाए। तो जो भी समय है आप उसमें अपने समय का बेहतर ढंग से जो है सदुपयोग कीजिए। अगर आप कहीं पर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ में आप समय निकालने का प्रयास कीजिए और कुछ समय अभी से देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी एग्जाम की डेट आएंगे उसमें बहुत ही कम समय होगा, तो उतने समय में आपकी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सिलेबस के आधार पर तैयारी कीजिए, उस पर आधार जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का जो है बेहतर ढंग से जो है अध्ययन करने का जो प्रयास कीजिए। तो आज की इस नोटिफिकेशन में एएनएम के पद पर जो है हो रही भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए। कई लोगों ने जो है मैसेज और मेल भी किया था कि इस विभाग में कब तक भर्ती आ रही है, तो उन सभी लोगों के लिए जो है यह एक महत्वपूर्ण और जो है अच्छी सूचना है। इसके माध्यम से आप लोग जो भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के इस विभाग के रूप में जो चयनित हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।